हमारे पास एक अद्भुत पावर है, वो पावर है संकल्प शक्ति और विजुलाइजेशन। संकल्प शक्ति से हम जो सोचते हैं वो अपनी मन की आंखों से देख उसे हम अपनी लाइफ में हासिल कर सकते हैं, वो है राजयोग मेडिटेशन के द्वारा। आइए राजयोग मेडिटेशन से हम एक स्वस्थ सुंदर दुनिया में प्रवेश करते हैं। राजयोग मेडिटेशन में हम अपने संकल्पों को एकाग्र कर सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा के साथ फोकस करते हैं। गॉड परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान है, प्योर है, शांति का सागर है, खुशियों का सागर है, पावर हाउस है। अगर हम अपने मन को एकाग्र कर परमात्मा यानी गॉड के साथ लगाते हैं, उस पर फोकस करते हैं, उसे याद करते हैं, तो वो सर्वशक्तिमान की पावर हमारे ब्रेन के अंदर आती जाती है। हम खुद भी पावरफुल, प्योर, पीसफुल बनते जाते हैं। इस प्रोसेस को राजयोगा मेडिटेशन कहते हैं। परमात्मा के साथ अपने माइंड को कनेक्ट करने से हम अपने माइंड को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, उसे पॉजिटिव बना सकते हैं, उसे पावरफुल बना सकते हैं, वो प्योर होता जाता है, हमारा विल पावर बढ़ने लगता है। इस विल पावर से हम जो चाहे वो कर सकते हैं, फिर चाहे ना हमें कोई भी कितनी भी सालों पुरानी बीमारी हो, हम उसे आसानी से हील कर सकते हैं परमात्मा के हीलिंग पावर से। इस मेडिटेशन में हम राजयोग मेडिटेशन का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं डायबिटीज़ पर। अपने माइंड को परमात्मा से कनेक्ट कर उनकी पावरफुल किरणों से आज हम डायबिटीज़ को हील करेंगे। ये अभ्यास दिन में दो बार लगातार हर रोज़ करते रहना है, तब तक करना है जब तक आप डायबिटीज से संपूर्ण मुक्त हो जाए। अब हम देखते हैं डायबिटीज में क्या होता है। वास्तव में अगर देखा जाए तो हमारा शरीर एक मशीन की तरह है, जो दिन रात सारी जिंदगी निरंतर चलता ही रहता है। इस मशीन को यानी कि शरीर को चलाने के लिए आवश्यक ऊर्जा हमें भोजन से मिलता है। सारे दिन में हम जो भी कुछ खाते हैं वो ग्लूकोज के रूप में रूपांतर होता है और ब्लड के थ्रू शरीर के एक एक कोशिकाओं तक पहुंचकर उसे एनर्जी देते हैं। शारीरिक प्रक्रिया को ठीक रीति से चलाने के लिए ब्लड में ऊर्जा का होना बहुत आवश्यक है। अगर ये एनर्जी कम हो जाती है तो कुछ ही मिनटों में उनका दुष्प्रभाव दिखना शुरू हो जाता है। हमारा ब्रेन तो ग्लूकोज के बिना बिल्कुल चल ही नहीं सकता है। यही कारण है जब ब्रेन को ग्लूकोज नहीं मिलता है तो व्यक्ति तुरंत ही बेहोश हो जाता है। इसके विपरीत अगर ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए तो उनका दुष्प्रभाव भी दिखना शुरू हो जाता है। ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को बैलेंस करने के लिए हमारे बॉडी में कई हार्मोन्स होते हैं, उनमें से इंसुलिन एक मुख्य हार्मोन है। इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव हमारे शरीर के अंदर पेंक्रियास नाम के ऑर्गन में बीटा सेल से होता है। हमारे खाने से जो ग्लूकोज बनता है वो ग्लूकोज को शरीर के हर एक कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए ये इंसुलिन हार्मोन एक चाबी की तरह काम करता है। अगर पेनक्रियास प्रॉपर मात्रा में इंसुलिन क्रिएट नहीं कर पाता है तो कोशिकाओं का दरवाज़ा
वो खुल नहीं सकता है और कोशिका का दरवाज़ा अगर नहीं खुलेगा तो शरीर के अंदर जो ग्लूकोज है वो अंदर नहीं जाएगा, लेकिन वो ब्लड में ही घूमता रहेगा और धीरे धीरे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता जा रहा है। इसे ही डायबिटीज़ कहते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ में बीटा सेल्स बिल्कुल ही नष्ट हो जाते हैं, जिससे इनमें इंसुलिन नहीं बन पाता है। टाइप 2 डायबिटीज़ में शुरुआत में इंसुलिन ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ता है, लेकिन ओवरवेट या शरीर के कई और प्रॉब्लम की वजह से इंसुलिन कोशिकाओं का दरवाज़ा खोलने में असमर्थ हो जाता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज कोशिका के अंदर न जाकर ब्लड में ही घूमता है और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। इसे कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज। ब्लड में लगातार ग्लूकोज का लेवल बढ़ते रहने से शरीर में बहुत सारी परेशानियां होती रहती हैं। ये परेशानियों को दूर करने के लिए शुरू करते हैं राजयोगा मेडिटेशन का प्रयोग। मैं एक चैतन्य शक्ति पावरफुल आत्मा हूँ, गॉड यानी कि परमपिता परमात्मा मेरे पावरफुल रूहानी डॉक्टर है। परमात्मा की पावरफुल शक्तिशाली प्योर वाइब्रेशन यानी कि किरणें मुझ आत्मा के ऊपर आ रही है। विजुलाइज करें मेरे सामने सर्वशक्तिमान परमात्मा है, उनसे प्योर पावरफुल किरणें मुझ आत्मा के ऊपर आ रही है। मैं आत्मा परमात्मा की ये प्योर पावरफुल वाइब्रेशन से भरपूर हो रही हूँ। मैं आत्मा भी प्योर हूँ, पावरफुल हूँ, पीसफुल हूँ। परमात्मा की ये पावरफुल किरणों को मैं अपने शरीर के अंदर प्रवाहित कर रही हूँ। परमात्मा से प्योर पावरफुल जो किरणें आ रही है वो मेरे पेनक्रियास के ऊपर आ रही है। रियलाइज करें परमात्मा से प्योर पावरफुल किरणें पेनक्रियास के ऊपर आ रही है। विजुलाइज करें गॉड की पावरफुल किरणों से पेनक्रियास के अंदर बीटा सेल क्रिएट हो रहे हैं। ये नव निर्मित बीटा सेल से आवश्यक मात्रा में इंसुलिन नाम का हार्मोन बन रहा है। देखिए अपने शरीर के अंदर इंसुलिन प्रॉपर मात्रा में बन रहा है और शरीर के एक एक कोशिकाओं के दरवाजे को खोल ब्लड में रहे ग्लूकोज को कोशिकाओं के अंदर ले जा रहा है। धीरे धीरे ब्लड में से ग्लूकोज का लेवल प्रॉपर हो रहा है। अपने शरीर की एक एक कोशिकाओं को ग्लूकोज पूर्ण प्रमाण में मिलने से बॉडी और माइंड एनर्जेटिक हो रहा है। अब मैं आत्मा अपनी मन की आंखों से देख रही हूँ कैसे मेरे शरीर के अंदर खून में ग्लूकोज की मात्रा धीरे धीरे सामान्य हो रही है। परमात्मा की पावरफुल किरणों से मेरा पेनक्रियास अब संपूर्ण स्वस्थ है।
अब ये पेनक्रियाज हमेशा के लिए प्रॉपर मात्रा में इंसुलिन बना रहा है और मैं आत्मा इस शरीर में विराजमान संपूर्ण स्वस्थ हूँ। रियलाइज करें गॉड की पावर रेज से मेरे शरीर के अंदर एक एक अंग संपूर्ण स्वस्थ हो रहा है। डायबिटीज की वजह से जो भी परेशानियां हो रही थी वो सारी परेशानियां धीरे धीरे नष्ट होती जा रही हैं। मेरे शरीर में फैट की मात्रा भी संतुलित हो रही है। मैं आत्मा अपने संपूर्ण शरीर को स्वस्थ के रूप में देख रही हूँ। देखिए अपने सामने ही अपना संपूर्ण स्वस्थ स्वरूप। इस संपूर्ण स्वस्थ शरीर कितना आकर्षित लग रहा है। परमात्मा की शक्तिशाली किरणों से आत्मा के साथ साथ ये मेरा शरीर भी सत्वप्रधान पावन पवित्र हो रहा है। अपने आत्मा अपने तन और मन से कंप्लीटली हेल्दी हूँ। अपने तन और मन से कंप्लीटली एवर हेल्दी हूँ और हैप्पी हूँ। एवर हेल्दी वेल्दी और हैप्पी लाइफ जीना मुझ आत्मा का जन्मसिद्ध अधिकार है। ये अभ्यास हर रोज सुबह और शाम को 5 मिनट जरूर कीजिए और दिन में कभी भी आपको टाइम मिले तब भी ये अभ्यास हमेशा करते रहे। इससे धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट करने लगेगा और आपको डायबिटीज से हमेशा के लिए मुक्त कर देगा।